सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, अस्थमा को ठीक करने की दवा के बारे में सीखेंगे, जिसका कॉम्बिनेशन है इटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन। जानेंगे इसकी पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें इस ये किस तरह से काम करता है, क्या इसकी ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, यूज़ को पूरी डिटेल से जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस दवा को कितनी मात्रा में लेना चाहिए और क्या इस दवा को रेगुलर लेना पड़ेगा, ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है यदि किसी व्यक्ति को ये साइड इफेक्ट करे तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें, जिससे कि संपूर्ण जानकारी आपको इटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन दोनों ही मेडिसिन ब्रोंकोडाइलेटर ग्रुप की दवा है, जो कि श्वास नली को, फेफड़ों को फैलाकर श्वास संबंधी समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें जो इटोफाइलिन है वो थियोफाइलिन का एक डेरिवेटिव है, जिसका दूसरा नाम हाइड्रोक्सीएथाइल थियोफाइलिन है। और यह जो कॉम्बिनेशन है ये आपको टेबलेट तथा इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इसके टेबलेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये शेड्यूल एच की होने के कारण केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आपको लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले इसकी ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इसकी ब्रांड है। जो पॉपुलर ब्रांड है उसमें आपको डेरिफाइलिन टेबलेट सबसे पॉपुलर ब्रांड मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो डेरिफाइलिन है इटोफाइलिन थियोफाइलिन का एक कॉम्बिनेशन है, आप सभी इससे भली भांति परिचित है। साथ ही इसके अलावा जो दूसरा जो ब्रांड है उसमें डेरिसिप टेबलेट, साथ ही अस्थाफिन टेबलेट, ETO टेबलेट, और इसके अलावा यदि बात करें दोस्तों तो खूब सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, जो कि एरिया और डॉक्टर अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो दवा का मूल कॉम्बिनेशन रहेगा, मूल नाम रहेगा, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन ही रहेगा। दोस्तों अब इसकी स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करें, कितनी स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल है, कितनी कितनी स्ट्रेंथ में इसकी टेबलेट बनाई जाती है, तो ये तीन स्ट्रेंथ में इसकी टेबलेट बनती है, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम तथा 300 मिलीग्राम। इसमें जो इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का कुछ रेशियो फिक्स्ड किया हुआ है, जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 100 मिलीग्राम में 77 मिलीग्राम इटोफाइलिन और 23 मिलीग्राम थियोफाइलिन, इसी तरह से 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम में ऐड किया गया है। साथ ही इसकी प्राइस भी मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जो कि आपको MRP मिल जाएगी। और इसकी स्ट्रिप जो आती है 10 टेबलेट की और 20 टेबलेट की अलग अलग स्ट्रिप आती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी रेट रहती है। और ये जो रेट है आपको ऑनलाइन फार्मेसी कुछ डिस्काउंट पर भी मिल जाती है। अब वीडियो में आगे हम इसकी यूज़ के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या यूज़ रहते हैं पूरी डिटेल में। जैसा कि आपको पता है ब्रोंकोडाइलेटर टेबलेट है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर श्वास से संबंधित ब्रीथिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने के लिए दवा प्रयोग में लाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा है, जिसे हम हिंदी में दमा बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होती है, उसके चेस्ट में कंजेशन हो जाता है और श्वास के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा खींचने पर श्वास ली जाती है, और कई बार श्वास के इतने अटैक उसको अस्थमा के आ जाते हैं कि वो चक्कर आके गिर भी जाता है, तो इस समय अगर ये टेबलेट रेगुलर दी जाए तो अस्थमा के अटैक भी नहीं आएंगे, उससे श्वास लेने में आसानी रहेगी। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जो COPD, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं, यह एक लंग्स से संबंधित समस्या है, जिसमें लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और इस बार बार व्यक्ति को खांसी आती है, श्वास लेने में परेशानी रहती है और चेस्ट में भी इसके पेन रहता है, तो भी उस समय में भी यह दवा पेशेंट को दी जाती है और बहुत ही अच्छा पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसको ब्रोंको स्पास्म की प्रॉब्लम हो, जिसमें व्यक्ति को व्नीजिंग मतलब सांस लेते समय छाती में गड़गड़ाहट की आवाज़ आना, ऐसी समस्या रहती, साथ ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहती, तब भी यह इटोफाइलिन थियोफाइलिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसको लंग्स इम्फेसिमा की प्रॉब्लम है, इस स्थिति में लंग्स में प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से व्यक्ति को चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है, तो इसमें भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों ओवरऑल अगर बात की जाए तो किसी भी कारण से व्यक्ति को ब्रीथिंग अगर प्रॉब्लम हो, श्वास वो नहीं ले पाए, तो यह टेबलेट उसको प्रिस्क्राइब करके उसकी समस्या का निवारण किया जा सकता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसको काफ़ी लंबे समय से खांसी चल रही है और वो खांसी रुक नहीं पा रही हो, तो कई डॉक्टर इसके साथ में यह दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही जो लंग्स में फ्लेगम जम जाता है, जो स्पुटम जम जाता है, तो वो भी कई बार बाहर नहीं निकल पाता, तो उस समय भी अगर ये दवा दी जाए तो ब्रोंकोडाइलेटर का काम करके ब्रोंकाई को खोल के वो स्पुटम बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो दोस्तों इस तरह से इसका यूज़ लिया जाता है, और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसके अलावा कोई भी और यूज़ लें तो वो ले सकते हैं।
दोस्तों इसकी यूज़ जानने के बाद बढ़ते हैं इसकी डोज की तरफ, कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, कितने समय तक इसको लेना चाहिए और कैसे इसको लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डोज है, जैसा कि पता है 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम की अलग अलग टेबलेट आती है, तो एज पेशेंट नीडेड डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर भी जो इसकी कॉमन डोज है, दिन में दो बार टेबलेट दी जाती है, साथ ही कभी कभार दिन में तीन बार भी टेबलेट दी जा सकती है। और इस टेबलेट को आप खाने के बाद तथा खाने के पहले दोनों ही समय में ले सकते हैं, और यदि आप इसको खाने के पहले लेते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसको सांस संबंधी या ब्रीथिंग संबंधी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसको ये टेबलेट चल रही है, तो वो टेबलेट काफ़ी समय तक चलती है और कई बार लाइफ लॉन्ग भी वो चलती है। और यदि वो व्यक्ति इस टेबलेट को बीच में छोड़ देता है तो वो उन सभी समस्याओं का वापस से शिकार हो जाता है जिसके लिए कि इस टेबलेट को शुरू किया था, जैसे श्वास नहीं आना, उसको चक्कर आना, चेस्ट में पेन होना, ये सभी समस्याएं वापस से शुरू हो जाती। तो दोस्तों इस टेबलेट को जितना आपको डॉक्टर ने कहा है, जितना लंबे समय तक आए आप लें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। और दोस्तों यदि आपको डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और आप कुछ समस्याओं से, कुछ बीमारी से पीड़ित हैं, जैसा कि आपको हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, किडनी डिजीज आपको है, साथ ही आप कोई महिला है जो प्रेग्नेंट से है या प्रेग्नेंसी की प्लानिंग कर रही है, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इन सभी कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बता दें, जिससे कि इस दवा का जो डोज है वो थोड़ी कम करके ले सके या इसकी जगह कोई दूसरी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके, आपको किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों सभी बातें जानने के बाद वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कॉमनली इस दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, फिर भी कोई अगर साइड इफेक्ट व्यक्ति को होता है तो उसमें हार्ट बीट का बढ़ जाना एक साइड इफेक्ट है, इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट हो जाना, डिजीनेस रहना, ड्राउजीनेस रहना, साथ ही पल्पिटेशन हो सकती है व्यक्ति को, स्टोमक अपसेट हो सकता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन होना, साथ ही उसको व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स व्यक्ति में देखे गए हैं जो ज़्यादातर होते हैं। और इसके अलावा भी कोई साइड इफेक्ट है जो आपको मिला है और मैंने डिटेल में नहीं बताया, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर से बताएं और जल्दी से जल्दी इस टेबलेट को बंद करें, जिससे कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने थियोफाइलिन इटोफाइलिन टेबलेट में बताई है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आ गया तो ज़रूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। साथ ही अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें, जो पास में बेल आइकन इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले वीडियो देख पाएं। आप अपने दोस्त मोहित दादिश के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। Thank you friends, take care and be careful medicine users.